Namaste. Welcome to the relationship spectrum of the Life360 app. As per research, people were asked as to who contributes the maximum to their sense of well-being. And their answer was an obvious, their relationships. Yes, friends, relationships jo hamari life mein hai logon ke saath, unka itna effect hota hai hamari zindagi mein ki research bolti hai ki agar jo log अच्छी के रिश्ते अच्छे होते हैं लोगों से, चाहे वो फैमिली हो, चाहे दोस्त हो, चाहे सराउंडिंग हो, उनके साथ उनके रिश्ते अगर अच्छे होते हैं तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है. अगर लोगों के रिश्ते अच्छे होते हैं तो उनके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, बिकॉज दे हैव पीपल टू शेयर विद, टू बाउंस आइडियाज विद, टू रिलेट विद. जिनके रिश्ते अच्छे होते हैं लोगों से, उनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, उनकी प्रोफेशनल कामयाबी ज़्यादा होती है. दे डू वेल इन ऑफिस, दे डू वेल इन बिजनेस. इवन चिल्ड्रन हु हैव ग्रेट रिलेशनशिप विद पीपल अराउंड एट होम and even in school, they perform well in their studies. Such is the importance of relationships. तो क्यों ना इसको समझें, क्यों ना इसको सुधारें, क्यों ना इसमें और काम करें. अक्सर अनजाने में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग relationships को for granted लेते हैं. When I say for granted means कि वो हैं और वो अपने आप अच्छे हो जाएंगे. जबकि fact ये है कि कोई भी चीज़ अगर अपने आप अच्छी होती है, इसका मतलब उसके अंदर खुद की जान होती है. लेकिन रिश्तों में क्या है, दो लोग जुड़े हुए हैं तो ये रिश्ता अलाइव है, ये जिंदा है. इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जस्ट लाइक एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, द रूल्स आल्सो अप्लाई हियर. और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके होते हैं. कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ करना पड़ता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको करके अच्छा लगता है, तो आपने उनको विश किया बर्थडे में, आपने उनके लिए कुछ गिफ्ट दिया, आप उनको घुमाने ले गए, आपने उनके लिए कुछ अलग से कुछ कर दिया. सो वो उसमें वो लोग उनकी उनका सींचना होता है, उनका नरिशमेंट होता है. कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ होना पड़ता है. यू डोंट हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू बी समथिंग. यू गॉट टू बी लविंग फॉर देम, यू गॉट टू बी सपोर्टिव फॉर देम, यू गॉट टू बी देयर फॉर देम, यू गॉट टू बी दैट दैट फादर फिगर फॉर देम और द मदर फिगर फॉर देम. सो यू गॉट टू बी अ सर्टेन टाइम, यू गॉट टू बी एग्जेम्पलरी फॉर देम. तो कुछ रिश्तों में होना पड़ता है, कुछ रिश्तों में करना पड़ता है, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ दोनों करना पड़ता है. यू हैव टू बी एंड यू हैव टू डू. तो जब आप ऐसा जीते हो जहाँ पर आप कुछ होते भी हो और कुछ करते भी हो, तो फिर थर्ड चीज़ होती है, और वो तीसरी चीज़ है आप कुछ पा लेते हो. तो होना, करना और पाना, बीइंग, डूइंग एंड हैविंग इन अ रिलेशनशिप इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी बी समबडी, वी डू सर्टेन थिंग्स एंड देन वी विल हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप. सो ये जो स्पेक्ट्रम है लाइफ का, रिलेशनशिप का, इसका स्पेक्ट्रम में कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपने रिश्तों को फॉर ग्रांटेड मत लो. आप अपने रिश्तों में एक पाथवे बनाओ कि किस किस कौन सा रिश्ता ऐसा है जिसमें से जिसको आपको और नर्चर करना है, उसके लिए क्या कर सकते हो. चाहे वो बच्चों के लिए हो, मे बी इट कैन बी टाइम फॉर देम एट अ टाइम व्हेन दे नीड द टाइम, इट कैन बी प्लेइंग विद देम, इट कैन बी यू डिसाइडिंग कि आई विल प्ले स्क्वॉश विद देम एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक, इट कैन बी you writing a diary with your spouse in the evening before you hit your bed, that will be a daily activity for you. It can be that once a week you will have a recall of the week which went by, as a family you will sit together. It can be you will watch your pictures of the past once a month, or you will travel together. Ye aap decide karo aapke pathways kya hone chahiye, and there are dime a dozen pathways which you can find out. Agar rishton mein jaan dalne ki ichcha hai to raste bahut hain, सिर्फ इच्छा की बात है. सो दिस वीडियो ऑफ माइन इज़ ऑल अबाउट इनकल्केटिंग और मे बी क्रिएटिंग इनफ क्यूरियोसिटी इन यू टू डू समथिंग फॉर योर रिलेशनशिप एंड नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड. आई एम श्योर अ डे विल कम व्हेन यू विल लुक अराउंड यू एंड यू विल सी लॉट ऑफ बैनियन ट्रीज हूज शेड यू वुड बी एंजॉयिंग, एंड दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स, योर नरिशमेंट, योर नर्चरिंग, योर फीडिंग टू योर रिलेशनशिप्स. लेट्स नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड. Let's build a great relationship with people by doing certain things, by being in certain ways. Bye for now. Namaste.